दुबई को उसके ऑयल प्रोडक्शन और शानदार टूरिज्म के लिए तो सभी सलाम ठोकते हैं, लेकिन इस बात से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे कि दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस शहर में लोग ग्राम नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदते हैं। यहाँ रईसी इतनी ज्यादा है कि कई होटल और रिजॉर्ट को बनाने में भर भर के गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। और तो और, यहाँ सोने की गाड़ियाँ सरेआम घूमती है। अब जो देश दुनिया का 29% गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए सोने की घड़ी और गाड़ियाँ बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर दुबई इतना सोना लाता कहाँ से है, आखिर वहाँ सोने की कीमत इतनी कम क्यों है। चलिए आज के वीडियो में इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। यूएई के शहर दुबई की बात ही अलग है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल डेस्टिनेशन होने के साथ दुबई एक ऐसा शहर भी है जिसका गोल्ड से बड़ा गहरा नाता है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि ऑयल प्रोड्यूसर होने के नाते दुबई करोड़ों में खेलता है। लेकिन इनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रॉफिट गोल्ड एक्सपोर्ट से भी मिलता है। जो टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं वो भी यहाँ आकर सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सस्ते दामों में दुनिया को सोना खरीदने का मौका मिले तो कौन इस मौके को हाथ से जाने दे सकता है। दुबई की खासियत है कि यहाँ के ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले सोने को खुद सरकार रेगुलेट करती है। मतलब साफ है कि यहाँ के बाजारों में उतरने वाले हर सोने पर गोल्ड प्योरिटी हॉलमार्क होता है। सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि सोने की क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आए। इनके हॉलमार्क में सोने के कैरेट के साथ वेट और कॉस्ट ऑफ लेबर भी क्लियरली मेंशन होता है। यही वजह है कि दुबई के सोने की क्वालिटी का डंका पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन जरा दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि आखिर ये सोना आता कहाँ से है। अगर आप सोच रहे हैं कि तेल की तरह यूएई के पास गोल्ड रिजर्व्स है, तो जरा इस बात पर फोकस कीजिए कि यूएई की जमीन पर रेगिस्तान की रेत पाई जाती है, वहाँ से सोना तो क्या सिल्वर भी नहीं मिलता। ऐसे में ये चालाक देश सहारा लेता है अफ्रीका के देशों का। आज यूएई भले ही गोल्ड हब है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अफ्रीका से स्मगल करता है। अफ्रीका के साथ साथ यूएई साउथ अमेरिका से भी रॉ गोल्ड स्मगल करता है। दरअसल सूडान, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों से तो यूएई ऑफिशियली गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा कई देशों से ये भारी मात्रा में गोल्ड की तस्करी करता है। हैरानी की बात है कि अफ्रीका में सोने को निकालने के लिए माइनर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। बच्चों से खदानों में काम कराया जाता है और ये सारा सोना गैर कानूनी तौर पर बिना रजिस्टर्ड हुए दुबई की झोली में गिर जाता है। खदानों से निकला हुआ लगभग 80% से ज्यादा सोना दुबई तक पहुंच जाता है। गोल्ड स्मगलिंग में आज ये देश इतना आगे पहुंच चुका है कि इनके बाजारों में उपलब्ध ज्वेलरी इलीगल एक्सपोर्टेड गोल्ड से बनती है। दरअसल इस देश के पास ऐसी एडवांस रिफाइनरी, वॉल्ट और गोल्ड मेकिंग फैसिलिटीज है कि ये रॉ गोल्ड को हाई क्वालिटी में तब्दील कर लेते हैं। अपने हाई स्किल वर्कर्स की बदौलत ही ये खराब क्वालिटी के गोल्ड को भी एक शानदार रूप दे देते हैं। साल 2017 में दुबई में सोने का व्यापार 12.2 मेट्रिक टन था। इससे ये पता चलता है कि लोग यहाँ से भर भर के सोने की खरीदारी करते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह सोने की कीमत है। कमाल की बात है कि बेहतर रिफाइनरी और मेकिंग फैसिलिटीज इस्तेमाल करने के बाद भी दुबई में सोना सस्ता है, क्योंकि बाकी देशों की तरह दुबई ने सोने पर कई तरह के टैक्स नहीं लगाए हैं। यहाँ से सोना खरीदने वाले लोगों को केवल ज्वेलरी की कीमत ही चुकानी पड़ती है और उस पर केवल 5% वैट टैक्स लगाया जाता है, जबकि भारत में सोने पर वैट, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और लोगों के लिए सोना महंगा हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात है कि दुबई में वैट की शुरुआत भी 2018 के बाद की गई। इससे पहले वहाँ सोना और भी सस्ते दामों में मिलता था। इसके अलावा दुबई के हर स्टोर में सोने की कीमत एक जैसी होती है। यहाँ इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो किया जाता है। मोल भाव करके उस कीमत को कम नहीं कराया जा सकता। ऐसे में लोग चाहे किसी भी स्टोर से सोना खरीद ले, उन्हें एक ही दाम पर सोना मिल जाता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में गिरावट आती है तो उस दिन आपको कम दाम पर सोना मिल सकता है। इसके अलावा दुबई मार्केट में आप मेकिंग चार्जेस को लेकर ज्वेलर से मोल भाव कर सकते हैं। अगर आपके मोल भाव करने की स्किल्स अच्छी है तो आप दुबई से कम कीमत पर भी सोना खरीद सकते हैं। दुबई से टूरिस्ट इसलिए भी सोना बड़े चाव से खरीदते हैं क्योंकि यहाँ सोने की खरीद बेच के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट अवेलेबल है, जिसे गोल्ड सोक कहा जाता है। इस बड़े बाजार में सोना खरीदने के लिए 1000 से भी ज्यादा शॉप्स है। यहाँ नए डिजाइन और स्टाइल्स के साथ आपको सोने की ज्वेलरी में काफी वैरायटी मिलती है,
डेमास, जोया लुकास जैसे बड़े ब्रांड्स की ज्वेलरी भी यहाँ मिलती है और सभी शॉप सोने की ऑथेंटिसिटी की गारंटी देते हैं। अगर सोने की क्वालिटी और व्यापार में कोई फ्रॉड या धोखेबाजी करने की कोशिश करता है या फिर बिना हॉलमार्क के सोना बेचता है तो दुबई में उसके लिए काफी सख्त कानून है। यहाँ आपको 2 करोड़ का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाई जाती है। इसीलिए सोने को लेकर धांधलेबाजी के केसेस दुबई में बहुत कम है। ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट के चलते ही यहाँ भारत के अलावा कई दूसरे देश भी सोने में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान, ओमान, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया और कनाडा जैसे देश दुबई से सोना खरीदने आते हैं, लेकिन खास तौर पर भारत के लोग दुबई से सोना खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि यहाँ हर शादी ब्याह में सोने को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर आप भी दुबई जाकर सोना खरीदने की चाह रखते हैं तो ये भी जान ले कि दुबई से सोना खरीद कर लाने की भी अपनी एक सीमा है और उस पर आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं। दरअसल CBIC के तहत अगर आप भारतीय पुरुष हैं और 1 साल से दुबई में रह रहे हैं तो आप 20 ग्राम सोना खरीद कर भारत ला सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत 50,000 रुपए तक होनी चाहिए। जबकि अगर आप इंडियन वुमेन है तो 40 ग्राम तक सोना लाने की इजाजत आपको मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। खैर, अगर आपकी मंशा इससे ज्यादा सोना खरीदने की है तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने समय से दुबई में रुके हुए हैं और कितने किलो सोना भारत लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि 6 महीने दुबई में रहने वाला भारतीय 1 किलो गोल्ड कॉइन ला सकता है जिस पर उसे 12.5% की स्पेसिफाइड कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। अगर गोल्ड कॉइन 1 किलो से ज्यादा का होता है तो उन्हें 36.05% कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। यही नियम वहाँ कुछ दिन के लिए टूरिस्ट के तौर पर घूमने वाले इंडियंस पर भी लागू होता है। खैर, एक बात तो माननी होगी कि दुबई में पेट्रोल की तरह गोल्ड मार्केट काफी तेजी से बढ़ा है। गोल्ड ट्रेड से UAE की इकोनॉमी काफी तेजी से बूस्ट हुई है। यहाँ के गोल्ड सेक्टर्स में लगभग 4,086 कंपनीज काम करती है। 2021 में UAE के गोल्ड रिजर्व 54.85 टन थे। हालांकि ये 2020 में थोड़ा कम था, लेकिन ये अपने मार्केट और गोल्ड को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपका दुबई के गोल्ड मार्केट और बेतहाशा मुनाफे के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके।